पांडुषा एकादशी और हर एकादशी बड़ी निर्मल अपनी इंद्रियों को समाहित करके प्रयास साध्य है, आवश्यक अशक्य नहीं है। प्रभु में लीन करना यही एकादशी का परम तात्पर्य है हमारी दृष्टि से। और ये जितने सब व्रत इत्यादि है उसके सहयोग देखो माई डियर, यंत्र तुम्हारा यही रहेगा, रथ तुम्हारा इस जन्म में तो बदलने वाला है, वो तो मिल गया। और इसकी जो अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं वो भी इसके साथ हैं, ये भी बदलने वाली नहीं है। आप उनको सुधार के हैंडल कर लो एक अलग बात है, रथ भी यही रहने वाला है और माई डियर घोड़े भी चेंज होने वाले नहीं है, यही रहेंगे घोड़े। और लगाम और सारथी भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये तुमको प्रारब्ध के अनुसार प्रदान किए गए हैं परमात्मा की ओर से। अब हमको इनके माध्यम से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। इसको एक दृष्टि से हम कह देंगे योगा कर्मसु कौशलम् कि हम किस तरह से अपना रथ हाके। अब जैसे हम जब बैलगाड़ी चलाते थे ना, मैंने शौक किया गाड़ी, तो हमारे निचली गाड़ी में दो बैल होंगे तो एक बैल थोड़ा कमजोर होता था, हल्का सा, और एक बैल ठीक होती है। बैल तो चेंज हो ही गए, उसको गोई कहते थे। तो हांकने वाले को ये सावधान रहना पड़ता था कि जो ये थोड़ा हल्का वाला बैल है उसको थोड़ा सा कुछ प्रेरणा देते रहो। और लक्ष्य तक पहुंच जाओ, यही आप लोगों को मालूम नहीं, आंख वाला डॉक्टर आपको से बता देगा दोनों आंखें एक जैसी लगती है। ये हमको लगता है कि ये सब एक जैसा लगता है, डॉक्टर से पूछना है। दोनों आंखों की सामर्थ्य भिन्न भिन्न होती है अधिकता। तो ये हमको जो इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, रथ मिल गया, ये यही रहने वाला है। हमको अब इसी इंस्ट्रूमेंट को कहो या इसी रथ को कहो, आजकल की भाषा में इस कार को कह दो, हमको इसी कार के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आप किस तरह से अपने लगाम का कंट्रोल करेंगे, आपके बुद्धि के निर्णय के द्वारा, संघ के द्वारा, जिस तरह का आपका संघ होगा उस तरह की बुद्धि बनेगी, जिस तरह की बुद्धि बनेगी उस तरह के लगाम चलेंगे, जिस तरह के लगाम चलेंगे उस तरह घोड़े चलेंगे, जिस तरह घोड़े चलेंगे उस तरह रथ चलेगा, और रथ जैसे चलाओ वैसी जगह पहुंचो। तो माई डियर, ये सब चीजें तुमको मिली होती है। आप अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हमको कहाँ जाना है। आधी यात्रा तुम्हारी तभी पूरी हो गई जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया हमको वहां जाना है। आधी यात्रा हो गई डन, अब आधी यात्रा जो रास्ते की बाधाएं हैं उनको निवारण करने में और कहीं जगह एक्सेलरेट करने में, कहीं जगह कम करने में, यही हमारा।
देखो उदाहरण एक दिन, अब तो इतने वर्ष हो गए नहीं मिला है खेलने को, अभी खेले हैं ताश खेले, ताश की पट्टी पत्तियां, ताश की पत्तियां होती हैं, उनकी संख्या निर्धारित है। कुछ एक खेल उनको छोड़ करके बाकी सामान्यतः 52 पत्ते हो गए, उनमें 4 कलर होंगे, 3 नहीं होंगे, 5 नहीं होंगे, जो कलर है वो भी निश्चित है। हम हिंदी में बोल दें चिड़ी हुकुम ईंट और पान, आप लोग स्पेड स्पेड कह देते हो, कहना चाहो न समझ में पूछ लेना, समझदार लोग, तो वो भी 4 रंग है, 13 ही पत्ते होंगे और उनकी हायरार्की 49 वगैरह है, उसकी बात छोड़, बाकी हायरार्की डिसाइड है, इक्का बादशाह बेगम गुलाम पहला इक्का सिरेगी। ये आश्चर्य है कि जो सबसे छोटा नंबर हो सबसे बड़ा होता है, इक्का सबसे बड़ा होता है। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक अगर खेल हो रहा है, हमारे भी का जरे हमारे साथी थे, हमको विद्या ज्यादा आई नहीं क्योंकि हमको ज्यादा औसत नहीं मिला, हमने ट्राई भी नहीं किया, उनको पत्ते लगाने आते थे और कहीं से कोई काट ले और जो पत्ता वो चाहते तो उसको वही मिले, तो क्या करा दी हमारा एक मामा था छोटा, वो उसको बहुत बढ़िया करा दी, जो ये जा रहे पत्तियों के पास आठ हमको भैया छोड़। तो ईमानदारी पूर्वक अगर खेल रहे हैं तो कौन सा पत्ता हमको मिलेगा वो मालूम नहीं, पहले 5 फिर 4 फिर 4 5 4 हाँ ये मिलेंगे। अब आप उनको सजा दीजिए, जो पत्ते आपको मिले हैं वो आपकी रुचि से नहीं मिले हैं, आप प्रारब्ध कह दो चांस कह दो जो नाम मिले वो पत्ते मिल गए, उनके कलर मिल गए, उनकी हायरार्की डिसाइडेड है, अब आपको चलना है केस जीतने में और हारने में, तुम किस तरह से अपने पत्ते चल रहे हो ये तुम्हारे विवेक है और उसी से हार जीत होती है। एक बात कोई खेल अब खेल रहे तो फिर सबके सर इकट्ठा जुट गए, इनको हराना है, हमको किसी एक गौरव ने सिखा दिया था रास्ता कि सर खेलना रखने है। तो पत्ते निश्चित, कलर निश्चित, हायरार्की निश्चित, कोई निश्चय नहीं क्या मिलेगा, लेकिन तुम किस तरह पत्ते चलते हो ये तुम्हारा विवेक है और उसके तुम्हारे विजय पर आगे निश्चित। माई डियर, तुम्हारे जीवन में जो ये शरीर मिल गया है, तुम्हारी इंद्रियां मन बुद्धि मिल गई है, तुम्हारा प्रारब्ध मिल गया है, जो माँ बाप मिल गए हैं इत्यादि जो मिल गए हैं, और सब वो चेंज नहीं होंगे, आपको इनके अनुसार अपने को एडजस्ट करना है। आप इस तरह से पत्ते चलो कि आपको जो आपका लक्ष्य है वो मिले, आप ऐसे चलो। एक उदाहरण देंगे, आप पराम्बा भगवती की उपासना करके अभी अभी उन्होंने आप कोई दूसरे बुद्धि मत कर लेना प्लीज। रामायण की कथा की एक शुरुआत हो या लीला कहो, सती जी के और पार्वती जी के प्रसंग से शंकर जी दोनों जगह कॉमन है, तुम गुरु तुम त्रिभुवन गुरु देव वही है। राम जी दोनों जगह सेम है, लेकिन सती जी के सामने तो राम यूं निकल रहे थे ऐसे ही, मम दर्शन कर फल परम अनुपा वाले वाले राम कुंडलियो। सती जी क्या मोहन वृत्त नहीं हुआ,
शंकर जी के जोर लगाने पे त्रिभुवन गुरु उन्होंने जोर लगाया और नहीं समझ में आया, उसका परिणाम फिर सामने आया। गौर करो आप, कोई अंतर नहीं है। पार्वती में वही बोले बाबा, बल्कि यहां तो रघुनाथ प्रत्यक्ष नहीं है वैसे सभी के, लेकिन वही भोले बाबा और पार्वती जी वही प्रश्न करने वाले हैं। यहां भी राम विषय प्रश्न था सती जी का, और यहां राम विषय प्रश्न वाली पार्वती जी का है। क्या अंतर है माई डियर? यहां परम विश्राम मिला है और वहां परम अविश्राम दिखाई पड़ता है। दुखी वही कथा राम की, वही राम जी की कथा कहने वाले, वही उनका वर्णन, क्या अंतर? और वही भगवती सुनने वाली माई डियर पत्नी खास दोनों। बस आप लोग अगर इस भाव को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा रघुनाथ की प्राप्ति बाहर नहीं, रघुनाथ की प्राप्ति अंदर। जिसको अंदर रघुनाथ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उसको बाहर रघुनाथ नहीं दिखाई पड़ेंगे, और जिनको रघुनाथ अंदर दिखाई पड़ने लग गए उनको बाहर के रघुनाथ की अपेक्षा भी नहीं, उपेक्षा नहीं है तो मतलब ही नहीं है, लेकिन अपेक्षा नहीं। हमारे रमेश भाई ओझा ने बड़ा बढ़िया कहा था, हम बहुत बार दोहराते हैं कि दोनों ही भगवतियां हैं, शिव पत्नी है। सती में और गौरी में या पार्वती में क्या अंतर है? शब्द थोड़ा आप लोग जिस भाव से मैं कह रहा हूं उससे लेने की कोशिश करना। उन दोनों भगवतों की महिमा से हम न्यूनता नहीं दिखा रहे, हमारी क्या ताकत है? भाई जी ने कहा महाराज पार्वती ऋतुमती श्रद्धा है। ऋतुमती श्रद्धा का जब शिव के साथ समागम होता है, विश्वास के साथ समागम होता है ऋतुमती श्रद्धा, तो ज्ञान गजानन की उत्पत्ति होती है, कार्तिक प्रकट होते। तो ज्ञान गजानन प्रकट हो इसके लिए उससे बड़ा क्या उदाहरण होगा भाई? हमको ऋतुमती श्रद्धा चाहिए। ये अंतर्मुखत्व है, ये चाहिए। एकादशी का तात्पर्य है पांच ज्ञान इंद्री, पांच कर्म इंद्री, दस और एक मन, मना षष्ठान इंद्रियां। मन को भी इंद्रियों में गिन लिया है हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण। तो ये जो ग्यारह हैं हमारे, इनको हम किस युक्ति से चलाएं कि हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो, किस तरह से गार्ड प्ले करें कि हमको हमारा मनोवांछित प्राप्त हो जाए, हमारा रघुनाथ हमको मिले। हमारा लाला तो ठीक एक ही है बाबा, तो वो मिले। आज रघुनाथ के हम भरत मिलाप के लिए जा रहे हैं, रघुनाथ ज्यादा रहे ज्यादा ठीक ही है, तो आना भी चाहिए। हम एकादशी का तात्पर्य है हम अपनी इंद्रियों को, अपने घोड़ों को किस तरह से चलाए कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हमको हो जाए। गुरु कृपा से, संतों के आशीर्वाद से विवेक मिले,
और हम उस विवेक से अपने लगाम को इस तरह से अहमित करें कि हमारी इंद्रियां हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दें। साधन नहीं चेंज होगा, तुम किस तरह से संचालन करोगे ये विवेक के ऊपर है, और इसी के लिए सत्संग है और इसी के महापुरुषों की शरणागति है। महापुरुष बना रहे हैं उनका आप सब करते हैं, मुझे महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हैं, आचार्य जी सही सबसे शुक्रवारों का वंदन करते हैं, तथा आज पापान कुशा एकादशी के मंगल में पर हम अपने लाला कृष्ण अपने कन्हैया का जगत गुरु श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए यमुना महारानी का अनुग्रह प्राप्त प्रार्थना पूर्वक आप सबके मंगल कामना करते हैं। जय श्री कृष्ण।